से 20,000 साल पहले गर्मियों के वक्त में भी अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपको मोटे मोटे कोट्स और स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ती, और उसकी वजह ये थी कि वो आइस एज का टाइम था और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका और एशिया ये सब मोटी मोटी आइस की शीट्स के अंदर दबे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बेल बुक एंड कैंडल। माय नेम इज़ उंजा और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आइस एज, नहीं है हमारी वीडियो का टॉपिक, आज की वीडियो का टॉपिक है वो वूली मैमथ रिमेन्स जो हमें कनाडा से अभी कुछ अर्सा पहले मिले, कुछ दिन पहले मिले, बल्कि बिल्कुल जून के लास्ट वीक में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वूली मैमथ की। वूली मैमथ जो है वो जनरली एलिफेंट्स और स्पेशली एशियन एलिफेंट्स के एंसेस्टर्स हैं। ये आइस एज के दौरान का जानवर है। आपने आइस एज मूवी देखी होगी। आइस एज मूवी एक एडवेंचरस मूवी है जिसमें 3 फ्रेंड्स हैं और उन 3 फ्रेंड्स में एक वूली मैमथ भी है, और उसमें यही उस टाइम में दिखा रहे हैं कि वो एक्सटिंक्ट हो रहा है और बड़ी मुश्किल से उसको अपनी एक फ्रेंड मिलती है। तो ये मज़े की मूवी है। इसमें एक सेबर टूथ कैट है और एक स्लॉथ है और एक वूली मैमथ है। इनके एडवेंचर्स हैं, बहुत सारी वीडियोज मूवीज आई हैं इस फ्रेंचाइज की, तो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। उसमें भी एक वूली मैमथ दिखाया हुआ है, और ये वूली मैमथ जो हैं ये एलिफेंट्स के एंसेस्टर्स हैं। जो आज का एलिफेंट है, स्पेशली एशियन एलिफेंट, वो इस वूली मैमथ का डिसेंडेंट है। ये वूली मैमथ आज से हज़ारों साल पहले इस ज़मीन पे इंसानों के साथ थे, यानी कि इंसानों के साथ इंसान भी थे और ये जानवर भी थे, और भी बहुत सारे जानवर थे जो कि बहुत सारे अब एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, जो बहुत सारे अभी हैं भी। तो आज की वीडियो में हम उस वूली मैमथ का एक इन्फेंट वूली मैमथ की रिमेन्स मिली हैं कनाडा में। कनाडा की है, डॉसन सिटी, उसके साउथ में है एक यूकॉन टेरिटरी। वो यूकॉन टेरिटरी जो है वो मशहूर है क्योंकि वो जो US की स्टेट है अलास्का, उसके साथ ही उसका बॉर्डर है। तो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से परमा फ्रॉस्ट मेल्ट हो रहा है, और इस तरह की जो बॉडीज हैं जो प्रिजर्व हुई हुई थी ज़मीन के बहुत अंदर, जो कि फ्रोजन थी या प्रिजर्व थी, अब वो बाहर निकल रही हैं। अच्छा, इस इलाके में ऐसा है कि यहाँ पर होती है गोल्ड माइनिंग, उसके लिए भी डिगिंग करनी पड़ती, खुदाई करनी पड़ती। तो ये इलाका मशहूर है, आइस एज के जो एनिमल्स हैं ना वो यहाँ से बहुत दफ़ा निकले हैं। लेकिन ये जो एक बेबी वूली मैमथ की रिमेन्स निकले हैं, ये सबसे ज़्यादा इंटैक्ट, सबसे ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड बॉडी निकली, यानी कि इसकी स्किन भी है, इसका फर भी है, इसका टस्क भी है, और बिल्कुल छोटा सा 1 मंथ का इन्फेंट है वो। और जो साइंटिस्ट हैं उनको ऐसे लग रहा है कि ये बेसिकली ऐसे लगता है कि मड में फंस गई थी, फीमेल बेबी है, मड में फंस गई थी जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। तो थोड़ी सी हम इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जो वूली मैमथ हैं इनका साइज होता था अफ्रीकन एलिफेंट्स जितना। देयर इज अ डिफरेंस इन साइज ऑफ अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट्स, इनके साइजेस में फ़र्क है। अगर आपको एक बड़ा मशहूर एलिफेंट है कावन, जो कि इस्लामाबाद के ज़ू से शेर जो हैं सिंगर उन्होंने निकलवा के मेरे ख्याल से थाईलैंड के बैंकॉक में कहीं भिजवाया उसको, तो वो अगर आप उसको देखें तो ही इज़ एन एडल्ट, लेकिन उसका साइज छोटा है बिकॉज ही इज़ एन एशियन एलिफेंट। जो अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं वो बहुत ह्यूज होते हैं, लाइक 13 to 15 feet टॉल होते हैं। तो जो वूली मैमथ है उनका साइज हाइट में 13 feet टॉल ऑलमोस्ट वो अफ्रीकन एलिफेंट्स जितना ही था, लेकिन देयर वॉज अ डिफरेंस। अगर आप उनकी तस्वीरें देखें तो यू विल नॉट सी देयर ईयर, कान नहीं नजर आएंगे आपको, क्योंकि कान बहुत छोटे थे। ये फ़र्क था कि उनका फर बहुत मोटा और बहुत थिक था, और वो ऑब्वियसली उसकी रीज़न ये थी कि सर्दी से बचाने के लिए 2 layers थी इनके फर की। एक आउटर लेयर थी जो कि ओवरग्रोन हेयर थे, और एक इनर लेयर थी जो कि आप कह लेंगे गार्ड हेयर, या मतलब शॉर्ट एज कम्पेयर टू बाहर वाले जो फर था उससे एज कम्पेयर टू ये छोटे थे। लेकिन ये डबल इनकी कोटिंग थी, और इनके जो टस्क थे वो
15 फुट लॉन्ग थे और उन्हीं से वो बर्फ के अंदर खुदाई करके नीचे से ग्रास और हर्ब्स और श्रब्स वगैरह निकाल के वो खाते थे. और करेक्टरिस्टिक्स मोस्टली इनकी एलिफेंट्स जैसी थी. इनकी मादा जो थी वो एक टाइम में एक ही बेबी पैदा करती थी और फीमेल हायरार्की थी जिसको हम मैट्रियार्की कहते हैं. फीमेल अपना हर्ड बनाकर रखती थी और जो मेल्स थे जब वो 10 साल के हो जाते थे तो वो हर्ड से सेपरेट हो जाते. 3 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक ये ज़मीन पर मौजूद थे. और अगर आप हिसाब लगाएं तो पायरामिड्स जो गीज़ा के पायरामिड्स हैं वो जब बन रहे थे तो वूली मैमथ्स ज़मीन पर मौजूद थे. और उसके अलावा इनके सर के पीछे एक लंप सा भी था. और वो लंप मोस्टली जो कि जो कैमल के जो होती है हम्प होती है उसी तरह का इसका भी काम था कि जब खाने की स्कैर्सिटी हो, जब खाना नायाब हो तो उसी से ये अपनी एनर्जी और अपना खाना वगैरह पूरा करते थे. तो हर दफ़ा वूली मैमथ एक ऐसा एक्सटिंक्ट एनिमल है जिसके सबसे ज़्यादा फॉसिल्स मिले हैं. साइबेरिया से बहुत दफ़ा मिले हैं. 2020 में भी एक 10 से 15 साल उम्र थी उस वूली मैमथ की जिसकी रिमेन्स मिली थी साइबेरियन लेक के नीचे से इसकी मिली थी और वो ऑलमोस्ट 10,000 साल पुरानी फॉसिल्स थी. उसके अलावा 2007 में भी साइबेरिया में से ही एक और उसका भी मतलब उसकी उम्र जो थी वो भी ये जो अभी रिसेंटली मिली है 1 मंथ की उस फॉसिल की भी एज 1 मंथ ही थी और वो पार्शियल रिमेन्स थी. मोस्टली बोन्स थी और टस्क थी, एक्सक्रीमेंट थी उसकी तो वो मिली थी. उसके अलावा अलास्का में से भी एक बहुत साल पहले 1948 में अलास्का में से भी इसकी रिमेन्स मिली थी. ये है कि वूली मैमथ सबसे ज़्यादा इसके जो है ना हमें फॉसिल्स आज तक मिले हैं. ये इस तरह का एक्सटिंक्ट एनिमल है. इसके एक्सक्रीमेंट मिलता है, इसका फर मिलता है, इसके टस्क मिलते हैं. ये जो भी रिसेंटली डिस्कवर हुई है वूली मैमथ की बॉडी जो कि बिल्कुल इंटैक्ट है, आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि बिल्कुल इसकी स्किन भी है और इसके बाल भी हमें, इसका फर भी हमें नज़र आ रहा है. आज तक की सबसे ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड बॉडी जो है नॉर्थ अमेरिका में वो ये मिली है हमें. और दूसरी चीज़ ये कि इसका नाम यूकॉन टेरिटोरी वालों ने अपनी ही उनकी जो ज़बान है हांस लैंग्वेज है उनकी उसी में इनका उसका नाम रखा है उन्होंने नोन चोन का और इसका मतलब है बिग बेबी एनिमल. इस तरह के जो फॉसिल्स होते हैं वो हमें हमें माजी की एक झलक देते हैं, हमें उन वक्तों की झलक देते हैं जब ये जानवर केव लाइंस के साथ भागा करते थे, स्टेपी बाइसन के साथ भागा करते थे और वाइल्ड हॉर्सेस थे वहाँ पर. और भी एक तरह की टाइम मशीन ही है, ये टाइम कैप्सूल है. टाइम कैप्सूल का आपको आइडिया होगा कि कार्ल सेगन ने भी एक टाइम कैप्सूल इस तरह के बनाए थे, वो जो वॉयजर के साथ उसने स्पेस में भेजे थे. टाइम कैप्सूल का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ज़मीन के अंदर आप कुछ अपने ज़माने की इस तरह की स्पेशल चीज़ें हैं उनको, टेक्नोलॉजी है या कुछ भी, वो ज़मीन के अंदर जो आप दबा दें और 30, 40, 50, 60, 70 साल बाद उनको निकालें और तो वो एक टाइम कैप्सूल होगी, वो हमें वक्त में बहुत पीछे ले जाएगी. ये फॉसिल्स भी बिल्कुल इस तरह टाइम कैप्सूल होते हैं जो कि ज़मीन में से इस तरह से निकलते हैं. और अब तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्योंकि आर्कटिक वाला एरिया सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, जो उधर की बर्फ़ है वो थॉ हो रही है, वो पिघल रही है और जो भी जानवर थे वो उनकी जो बाकियात हैं, जो उनके फॉसिल्स हैं, मम्मीफाइड बॉडीज़ हैं प्रिजर्व, वो सब अब अक्सर औकात निकल रहे हैं. यूकॉन में भी गोल्ड माइनिंग होती है बेसिकली, तो उसके लिए डिगिंग होती है तो ये वहाँ से हमें जो है, यूकॉन तो मशहूर है कि आइस एज वाले जो एनिमल्स हैं वो वहाँ से बहुत ज़्यादा उनकी बॉडीज निकलती हैं. तो आज की वीडियो का टॉपिक ये था नोन चोन का और इसका मतलब है बिग बेबी एनिमल. कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी और
आगे की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।